हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिम और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस क्या होता है, किन इंसेक्ट्स में होता है और किस तरीके से होता है, हम लोग आज इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बायोलुमिनेसेंस क्या होता है। बायोलुमिनेसेंस, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स और लुमिनेसेंस, लुमिनेसेंस मतलब टू प्रोड्यूस लाइट। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू लाइफ को प्रोड्यूस प्रोडक्शन करना कहलाता है बायोल्यूमिनेसेंस। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर हम देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और शुरुआत में काफी साइंटिस्ट की इसके ऊपर नजर गई और तब कोई साइंटिस्ट प्रोटोजोआ में इसको खोज के लेके आया, तो किसी ने आर्थ्रोपोडा में, तो किसी ने वर्टिब्रेटा में इसको खोजा। अब हमें यह देखना पड़ा कि किसमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है। तो सबसे पहले ई न्यूटन हार्वी है, वो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सबसे पहले दिया एक मोनोग्राफ। इस मोनोग्राफ में उन्होंने ये बताया कि कौन कौन सी ऑर्गेनिजम्स में बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना मिलता है। जैसे प्रोटोजोआ में मिलेगा, सीलेंट्रेटा में मिलेगा, एनिमेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइलोडर्मेटा और क्वाड्रेटा। साथ ही साथ उन्होंने इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए। मैं एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बेसिक इस टाइम पे जो पढ़ाना है मुझको वो है बायोल्यूमिनेसेंस इन इंसेक्ट्स। तो हम लोग इंसेक्ट्स में पढ़ेंगे किस तरीके से बायोल्यूमिनेसेंस हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इंसेक्ट्स में कितने ऑर्डर होते हैं। तो इंसेक्ट्स में लगभग 32 ऑर्डर है और इन 32 ऑर्डर्स में सिर्फ और सिर्फ चार ऐसे ऑर्डर आए जिनमें हमें बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना देखने को मिला। वो चार ऑर्डर थे कोलेम्बोला, हेमिप्टेरा का सब ऑर्डर है होमोप्टेरा, डिप्टेरा और कोलियोप्टेरा। इन और चार ऑर्डर्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे ऑनिकायरस आर्मेटस आपका कोलेम्बोला का है, हेमिप्टेरा में होमोप्टेरा का फल्गोरिया लैंटिनेरिया है और डिप्टेरा में बोलिटोफिला ल्यूमिनोसा है, कोलियोप्टेरा में फोटिनस, पायरिस और फोजिवेरिस। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना देखने को मिलता है। अब हम लोगों में ये भी पता होना चाहिए हम लोगों को कि बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना इंसेक्ट्स में मेल में होगा या फीमेल में होगा, किस में होगा और किस में ज्यादा होता है। तो मेल्स में इन जनरल ज्यादा होता है बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना, यानी मेल्स ज्यादा लाइट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कोलेम्बोला में आपकी फीमेल्स ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, हेमिप्टेरा में निम्फ में होता है, डिप्टेरा में मेल फीमेल और इसके लार्वा में होता है। यहां पे हमने एक चीज लिखी है ग्लोवॉर्म और ये लिखा है फायरफ्लाई। तो कंफ्यूजन ये रहता है कि ग्लोवॉर्म क्या होते हैं और फायरफ्लाइज क्या होती हैं। तो अगर आप देखिए तो ग्लोवॉर्म्स जो हैं वो हैं लार्वा और फायरफ्लाइज ये ट्रू फ्लाइज हैं जो कि कोलियोप्टेरा में आ रहे हैं। तो कंफ्यूज मत करिएगा, ग्लोवॉर्म और फायरफ्लाई एक चीज नहीं है। ग्लोवॉर्म्स डिप्टेरा में आ रहे हैं और फायरफ्लाइज कोलियोप्टेरा में आ रहे हैं, यानी जो भी मुझे है आपके वो कोलियोप्टेरा में आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझ गए हैं कि किन इंसेक्ट्स में ये हो रहा है, यानी किन ऑर्डर्स में, इंसेक्ट्स के कौन से ऑर्डर्स हैं जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस हो रहा है। तो अब हम लोगों को ये देख लेना है कि बायोल्यूमिनेसेंस के लिए किस पार्ट में होता है। तो अगर बात करें, ये हेड रीजन में भी हो सकता है, ये थोरैक्स रीजन में भी हो सकता है और ये एब्डोमेन में भी हो सकता है। इंसेक्ट के लगभग तीन ही सेगमेंट होते हैं। मैं जनरल स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो यहां पे हेड में एंटीना हो गया, आई हो गई, माउथ पार्ट हो गया, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये हेड रीजन है, ये थोरैक्स रीजन है और ये एब्डोमेन का रीजन है। हम लोग जो एग्जाम्पल देखे जिसको पढ़ेंगे वो है फोटिनस का। और फोटिनस यानी कि जो भी होता है उसमें, तो अब इसके थोरैक्स रीजन में भी हो सकता है और इसके एब्डोमेन रीजन में भी हो सकता है। तो एब्डोमेन जो है, इसके एब्डोमेन में यहां पे दो ल्यूमिनेसेंट बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन मिलते हैं। अब हम लोग उस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो यहां पे मिलेगा और उस स्ट्रक्चर से किस तरीके से लाइट प्रोडक्शन होगा, हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये जो आपको डायग्राम यहां दिख रहा है,
ये डायग्राम बना हुआ है ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन का जो बायोल्यूमिनेसेंस को कराएगा। अभी हमने आपको बताया था कि इंसेक्ट में तीन रीजन है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के एक रीजन को इनलार्ज करके यहां पे दिखाया गया है कि कैसे ये स्ट्रक्चर होता है इस यहां पे जो कि बना देता है लाइट को। तो यहां पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सबसे नीचे की तरफ यहां जो ग्रीन कलर से है ये आपकी है क्यूटिकल। इसके बाद जो रेड कलर से है वो रेड कलर से आपके पास है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर आपको ये दिख रहा है ये है ट्रैकिया। इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकिया होता है, तो ट्रैकिया। इस ट्रैकिया के बाद आपको ये साइड में जो सेल्स दिख रही हैं, ये सेल्स वही सेल है जो लाइट को प्रोड्यूस करेंगी, तो इन सेल्स का नाम होता है फोटोसाइट्स। और फोटोसाइट सेल्स के अंदर फोटोसाइट ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, जो रेड कलर से यहां दिख रहे हैं ग्रैन्यूल्स, ये हैं फोटोसाइट ग्रैन्यूल्स। और फोटोसाइट ग्रैन्यूल्स के अंदर ही वो सब्सटेंस होता है जो लाइट को प्रोड्यूस करेगा। यहां पे छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रियास भी इधर उधर आपको मिल जाएंगे जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होंगे। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया से निकलता है ये सेल्स जिन्हें कहते हैं ट्रैकियोब्लास्ट। तो ये क्या है ट्रैकियोब्लास्ट, तो ये जो सेल्स हैं ये हैं ट्रैकियोब्लास्ट। और ट्रैकियोब्लास्ट से ये ट्रैकिया की कुछ एंडिंग्स इन सेल्स के अंदर जाते हुए दिख रही होती हैं जिन्हें ट्रैकियोल बोलते हैं। तो ये आपकी कोई ट्रैकियोल, ठीक है। तो यहां पे हमने इतनी चीजें देख ली। इसके बाद हमको जो ब्लैक कलर से ऊपर की तरफ ये सेल्स दिख रही हैं, ये सेल्स हैं डर्मल सेल्स या यूरेट सेल्स। तो ये डर्मल सेल्स दिख देते हैं, और डर्मल सेल्स में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मिलते हैं जिन्हें यूरेट ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर और बचा जिसको अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, वो है ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। और ये ग्रीन कलर की जो कॉर्ड दिख रही है असल में ये न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर है, ये न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग्स है। तो ये आपका हो गया न्यूरॉन, ठीक। ये डर्म सेल्स एक साथ मिलके जो लेयर बनाती है ये इस लेयर पे कहते हैं डर्मल लेयर। तो फिनोमेना क्या है थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, समझिए इसमें होता क्या है। ये जो क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल क्यों है, क्योंकि अंदर लाइट प्रोड्यूस होगी, अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो लाइट बाहर कैसे आएगी, पहली बात। दूसरी बात, जो डर्मल सेल्स हैं इनमें जो ये ग्रैन्यूल्स हैं ये है यूरेट ग्रैन्यूल्स। यूरेट ग्रैन्यूल बिल्कुल उस तरीके से वर्क करते हैं जैसे एक मिरर वर्क करता है। यहां जो भी लाइट प्रोड्यूस होगी यूरेट ग्रैन्यूल उसको ऊपर न जाके उसे बाहर आने देंगे, यानी कि लाइट यहां बनेगी और बाहर की तरफ निकलेगी। इसी वजह से इसके एब्डोमेन के लोअर पार्ट से लाइट बाहर की तरफ चमकती हुई हमें दिखाई देती है। ये जो सेल्स हैं ट्रैकियोब्लास्ट, ट्रैकियोब्लास्ट से छोटे से स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जिन्हें हमने कह दिया है ट्रैक्यूल्स। ये ट्रैक्यूल्स यहां से जो ट्रैकियास में एयर आएगी ट्रैक्यूल्स के थ्रू, वो एयर यानी कि ऑक्सीजन इन सेल्स के पास पहुंच जाएगी। देखिए आपको एक बात और बता दें, अभी हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे कि किस तरीके से ये काम होता है, किस तरीके से लाइट प्रोड्यूस होती है। ये तो स्ट्रक्चर दिखाया हमने लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का, लेकिन किस तरीके से ये मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म में हम लोगों को तीन चीजों की बेसिक
समझ होना चाहिए। पहली चीज वो सब्सटेंस जो यहां से निकलेगा, फोटोसाइट ग्रैनुल्स से जो सब्सटेंस निकलेगा वो सब्सटेंस कहते हैं ल्यूसिफेरम। और एक एंजाइम जो कि सेल के अंदर होना चाहिए वो है ल्यूसिफरेज। और साथ ही साथ इसको चाहिए है ऑक्सीजन ताकि ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच पाए। और इसको इन सब कामों के लिए एनर्जी की भी जरूरत होगी जो मिलेगी एटीपी से। लेकिन एटीपी का डायरेक्ट रोल नहीं होता है एनर्जी को लाइफ को प्रोड्यूस करने में। तो अब हम लोग मैकेनिज्म पे जाएंगे लेकिन उससे पहले हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेंगे एक बार क्या होता है स्ट्रक्चर। तो यहां पे है आपकी ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल, उसके ऊपर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर यानी कि अब ये जो पार्ट आया इस सारे पार्ट में क्या अरेंजमेंट है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकियल सिस्टम है। और ट्रैकिया के ही पास में यही पे ही सेल्स हैं, उन सेल्स को कह दिया है फोटोसाइट्स। ये फोटोसाइट सेल्स आपको ये एक दिख रही है लेकिन ये असल में इस तरीके से फोटोसाइट सेल्स हैं जो कंबाइंड यहां पर ऐसे कुछ में दिख जाती हैं आपको लगी हुई। तो ये फोटोसाइट सेल्स हैं और फोटोसाइट सेल्स के अंदर है फोटोसाइट ग्रैन्यूल्स। इन फोटोसाइट ग्रैन्यूल्स से क्या निकलेगा, ल्यूसिफेरिन। ल्यूसिफेरिन एक लैटिन वर्ड है जो जिसका मतलब होता है लाइट प्रोड्यूसर, यानी कि लाइट को असल में यही प्रोड्यूस करेगा ल्यूसिफेरिन। तो जो भी सब्सटेंस, जो भी मॉलिक्यूल, जो भी स्ट्रक्चर लाइट को प्रोड्यूस करता है उसे हम ल्यूसिफेरिन के नाम से बोल देते हैं। ये क्या हो सकते हैं, ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं, या ये प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लोग सिर्फ उसे ल्यूसिफेरिन किस तरीके से वर्क कर रहा है उसकी मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं। तो बायोल्यूमिनेसेंस का जो फिनोमेना है उसमें हमें पहले बायोल्यूमिनेसेंस के लिए एक ऑर्गन चाहिए जो कि लाइट को प्रोड्यूस कर पाए। फिर ऑर्गन जब हमें मिल गया तो फिर हमें वो सेल्स चाहिए जो लाइट को प्रोड्यूस करेगी, उन सेल्स का नाम लिख दिया फोटोसाइट्स। अब फोटोसाइट्स पूरी फोटोसाइट्स तो काम नहीं करेंगी, उन सेल्स के भी सर्टेन ग्रैन्यूल्स हैं जिन्हें हम फोटोसाइट ग्रैन्यूल्स कहते हैं। उनमें भी एक सर्टेन सब्सटेंस निकलेगा जिसका नाम है ल्यूसिफेरिन। और वो ल्यूसिफेरिन ल्यूसिफेरेज एटीपी और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लाइट को प्रोड्यूस करेगा। और लाइट जब प्रोड्यूस हो जाएगी तो यूरिन ग्रैन्यूल यानी डर्मल लेयर जो है वो ऐसा मिरर वर्क करेगी और लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी बाहर की तरफ। तो ये यूरिन ग्रैन्यूल और डर्मल सेल्स का फर्क वर्क है। तो ये चीजें हम लोगों ने यहां पर समझ ली है। अब हम लोग मैकेनिज्म पे चलेंगे कि किस तरीके से लाइट प्रोड्यूस होती है। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कि किस तरीके से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ लाइट प्रोडक्शन। तो हम लोगों ने उस पूरे डायग्राम को मैंने यहां पे छोटा करके यहां पर बनाया हुआ है। तो ये आपका डर्मल लेयर है, ये आपकी फोटोसाइट सेल्स है जिसमें फोटोसाइट ग्रैन्यूल्स हैं, मैं इसको ब्लू से दिखा दे रहा हूं, फोटोसाइट ग्रैन्यूल्स हैं। इसके बाद यहां पे ये आपकी एपिडर्मिस है, इसके बाद ये आपकी ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल है, ये ट्रैकिया है और ये ट्रैकियोल्स है, ये नर्व सेल है ग्रीन कलर से। तो होता क्या है, सबसे पहले जो ल्यूसिफेरिन है जो कि यहां से निकलेगा आपकी फोटोसाइट ग्रैन्यूल्स से, ल्यूसिफेरिन वो ल्यूसिफेरिन इस सेल के अंदर फोटोसाइट सेल के अंदर एटीपी से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ल्यूसिफेरेज। ल्यूसिफेरेज एंजाइम से ल्यूसिफेरिन एटीपी के थ्रू जुड़ जाएगा, एटीपी से लिंक कर जाएगा ल्यूसिफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में और बनाएगा क्या, एडिनाइन ल्यूसिफेरेज। और यहां पे एक आयन की जरूरत पड़ेगी जो कि होगा मैग्नीशियम आयन। तो ये ल्यूसिफेरिन यहां लगा मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, ल्यूसिफेरिन और एटीपी एक दूसरे से रिएक्ट कर गए इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूसिफेरेज और बनाया एडिनाइल ल्यूसिफेरेज और पायरोफॉस्फेटेज।
अब ये एडिनाइल ल्यूसिफरेज इसी एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और बनाएगा एडिनाइल ऑक्सी ल्यूसिफरेज ल्यूसिफर एडिनाइल ऑक्सी ल्यूसिफरेज किसकी प्रेजेंस में ल्यूसिफरेज की तो ल्यूसिफरेज ने पहले क्या करा पहले ल्यूसिफरेन और एटीपी को जोड़ दिया और बनाया एडिनाइल ल्यूसिफरेज सॉरी एडिनाइल ल्यूसिफरेन और एडिनाइल ल्यूसिफरेन एडिनाइल ऑक्सी ल्यूसिफरेन में कन्वर्ट हो गया जब ऑक्सीजन से मिल गया लेकिन ये एडिनाइल ऑक्सी ल्यूसिफरेन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था ये एक्साइटेड फॉर्म में था तो एक्साइटेड फॉर्म से जब ये नॉर्मल स्टेट में आएगा जैसे कि हम लोगों को पता है कि किसी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में तो किसी दूसरे लेवल पे चले जाते हैं इस एनर्जी लेवल पे जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने एनर्जी लेवल पे आए होते हैं तो यहां से ये इमिट कर देते हैं अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई है तो ये अपने शेल को छोड़कर किसी दूसरे शेल में चला जाएगा हाई एनर्जी शेल में और उस हाई एनर्जी शेल से जब ये वापस अपने ओरिजिनल शेल में आएगा तो वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करके आएगा वो एक्स्ट्रा एनर्जी लाइट की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में निकलती है तो यहां पे एक्साइटेड एडिनाइल ल्यूसिफरेन एडिनाइल ल्यूसिफरेन में बदल जाएगा और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट वो निकालेगा तो क्या हुआ इससे लाइट का प्रोडक्शन हो गया यानी यहां अब लाइट बन चुकी है तो जो लाइट होगी जो बनी होगी वो बाहर की तरफ आ जाएगी वो बाहर दिखने लगेगी अब ये जो एडिनाइल ल्यूसिफरेन है इसने बचे हुए जितने भी ल्यूसिफरेज थे उसको इनहिबिट कर दिया एडिनाइल ल्यूसिफरेन ने ल्यूसिफरेज एंजाइम को क्या करा इनहिबिट कर दिया तो जो फ्री ल्यूसिफरेन था वो अब इनहिबिट हो चुका यानी उसका फंक्शन रुक गया तो या तो ये इस फॉर्म में चला जाएगा या अगर कोई दूसरा एंजाइम कैटालिटिक एंजाइम होगा तो इसे तोड़ देगा तो क्या होगा एडिनाइल ल्यूसिफरेन टूट जाएगा आपके ऑक्सी ल्यूसिफरेन और एडिनाइलिक एसिड में और ये ऑक्सी ल्यूसिफरेन स्टोर हो जाएगा इन डर्मल लेयर और जिसका फंक्शन अभी तक हमें पता नहीं है कि ये स्टोर होके करता क्या है लेकिन आप हमें लाइट को दोबारा जनरेट करना है जब दोबारा जनरेट करना होगा तो ये जो ल्यूसिफरेज एंजाइम जो कि इनहिबिट हो चुका है ये फिर से रीएक्टिवेट होना पड़ेगा इसको और इसको रीएक्टिवेट कराने के लिए ये नर्व अपने अंदर से एक सिग्नल भेजती है तो नर्व की जो ये एंडिंग है यहां से एक सिग्नल जाता है और वो सिग्नल केमिकल की फॉर्म में जाता है तो नर्व से एक केमिकल रिलीज होता है उसका नाम है एसिटिल कोलीन एसिटिल कोलीन और ये एसिटिल कोलीन एक एंजाइम एसिटिल कोलीन ईस्टरेज से टूट जाएगा दो पार्ट में एसिटिक एसिड और कोलीन में और ये दोनों ही
कोएंजाइम ए और एटीपी के से रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बनाएंगे, उसको कहेंगे पाइरोफॉस्फेट। और वो पाइरोफॉस्फेट इस इनहिबिट लूसिफरेज को वापस एक्टिवेट कर देगा और फ्री लूसिफरिन में बदल देगा। साथ ही साथ यहां पे एक और सब्सटेंस बनेगा जिसे कहेंगे एडिनाइलिक एसिड। तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ रही होगी, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं कि मैकेनिज्म में हुआ क्या। सबसे पहले लूसिफरिन को निकाला फोटोसाइट ग्रैन्यूल्स ने और उसको एटीपी के साथ जोड़ा लूसिफरेज एंजाइम ने इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नीशियम आयन और बना एडिनाइल लूसिफरिन और पाइरोफॉस्फेट। पाइरोफॉस्फेट आपको पता है क्या कर रहा है, बचे हुए लूसिफरेज को भी एक्टिवेट कर देगा। ये इसके बाद जो एडिनाइल लूसिफरिन बना वो एडिनाइल लूसिफरिन फ्री लूसिफरेज की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया और एक्साइटेड एडिनाइल ऑक्सी लूसिफरिन बनाया। ये एक्साइटेड ऑक्सी लूसिफरिन जब अपनी नॉर्मल स्टेट में आया तो इसने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट निकाला और ये अरेंजमेंट इतना बेहतर होता है कि ये जो लाइट निकलती है 98% एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट ही रिलीज करता है। सिर्फ 2% एनर्जी ही जो होती है वो अदर रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज होती है, लाइक हीट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हमें नहीं दिख रहे थे। तो वो 98% विजिबल लाइट हमें दिख रही है। और एडिनाइल लूसिफरेन दो तरीके से उसकी मैकेनिज्म समझाई गई है, या तो वो डायरेक्ट इनहिबिट कर देगा लूसिफरेज को, या अगर कोई दूसरा एंजाइम जो इसको तोड़ सका तो वो इसे तोड़ देगा ऑक्सीलूसिफरिन और एडिनाइलिक एसिड में। ऑक्सीलूसिफरिन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीलूसिफरिन को स्टोर कर लिया जाता है डर्मल लेयर में और जिसका फंक्शन अभी तक अननोन है। अब जो इनहिबिट हो चुका है लूसिफरेज उसको कैसे एक्टिवेट करा जाए, तो यहां से नर्व्स अपने अंदर से केमिकल रिलीज करती है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इसका नाम होता है एसिटिल कोलीन। एसिटिल कोलीन को तोड़ दिया जाता है दो पार्ट में, एसिटिक एसिड और कोलीन में, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, एसिटिल कोलीन एस्टरेज की प्रेजेंस में। और फिर एटीपी और को एंजाइम जब इन दोनों से ही रिएक्ट करेंगे तो बनता है पाइरोफॉस्फेट और एडिनाइलिक एसिड। पाइरोफॉस्फेट इस लूसिफरेज को जो कि इनहिबिट हो चुका था उसको रीएक्टिवेट कर देता है, फ्री लूसिफरेज बदल देता है और ये फ्री लूसिफरेज वापस से उसी रिएक्शन को चलाता रहता है। तो ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये फोटिनस पायरेलिस जो हमारा फायरफ्लाई है यानी जुगनू है उसमें किस तरीके से लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप ये समझ गए होंगे तो अब हम लोग ये पता करेंगे कि बायोल्यूमिनेसेंस से क्या फायदा होता है और बायोल्यूमिनेसेंस इंसेक्ट्स में किस तरीके से फायदा पहुंचाती है, यानी कि क्या फंक्शन है बायोल्यूमिनेसेंस के इंसेक्ट्स में। ठीक है, तो अब हम लोग अगले पार्ट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो क्या है अब अपने सिग्निफिकेंस लाइट प्रोडक्शन के, ये देख लेते हैं कि लाइट प्रोडक्शन से इंसेक्ट को क्या क्या फायदे होते हैं। तो इंसेक्ट को पहला फायदा है मेटिंग सिग्नल्स, यानी कि मेटिंग के लिए एक सिग्नल भेजा जा सकता है लाइट को प्रोड्यूस करके और कम्युनिकेट कर सकता है एक इंसेक्ट की एक मेल या फीमेल स्पीशीज किसी दूसरी फीमेल या मेल स्पीशीज से। तो कैसे होता है, मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे फोटिनस पायरेलिस यानी कि वही अपना फायरफ्लाई। और फायरफ्लाई में होता क्या है, मेल जो फायरफ्लाई है वो जमीन से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे उड़ती है जब उसे मेटिंग करना होती है और वो लाइट प्रोड्यूस करके ये सिग्नल भेज रही होती है। तो जैसे ही फीमेल फायरफ्लाई इसे रिकॉग्नाइज करती है तो फीमेल फायरफ्लाई जमीन के ऊपर लगी हुई घास के ऊपर आ जाती है, यानी ग्रास के ऊपर आ गई और घास के ऊपर बैठ के
वो भी उसी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यहां से रिलीज करती है, यानी कि अगर इसने एक बार लाइट भेजी है तो ये भी उतनी ही लाइट को प्रोड्यूस करके भेजेगी। और जब मेल इसको देख लेता है कि मेल ने इसको चेक कर लिया कि यहां पे ये लाइट आ रही है, तो ये उसी डायरेक्शन में चल देता है और फिर से लाइट को प्रोड्यूस करता है। फीमेल फिर एक लाइट प्रोड्यूस करती है, मेल फिर एक लाइट प्रोड्यूस करता है, और ये तब तक लाइट का प्रोडक्शन होता रहता है, यानी लाइट से सिग्नलिंग होती रहती है, तब तक होती रहती है जब तक कि एक मेल फीमेल के पास अप्रोच ना कर जाए। ऐसा कब तक होता है और कितनी बार होता है? लगभग 5 से 10 बार ये एक मिनट में होता है। एक मिनट में 5 से 10 बार मेल ऐसे सिग्नल भेजता है और फीमेल भी उतने ही सिग्नल नीचे से ऊपर की तरफ भेजती है, और मेल 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है और तब ये इसे अप्रोच कर लेता है। तो ये पहला फायदा है मेल को या मेटिंग सिग्नलिंग में फायरफ्लाइज को एग्जांपल। प्रिडेशन, प्रिडेशन का मतलब है खा लेना। तो अब होता क्या है, फोटिनस पायरेलिस जो फैमिली है उसी फैमिली का एक और इसी का मेंबर है फोचुरेलिस। तो फोचुरेलिस और फोटिनस एक ही फैमिली के हैं। फोचुरेलिस फीमेल फोटिनस पायरेलिस की मिमिक्री कर देता है और ये प्रीडेटर। और जब ये इसकी मिमिक्री करता है तो यहां पे वो प्रीडेटर बैठा होता है, और मेल जब ये समझता है कि ये फीमेल है, वो जैसे ही फीमेल के पास आता है प्रीडेटर उसे खा लेता है। तो इस तरीके से फोचुरेलिस फोटिनस को खा जाता है। बोलिटोफिला, बोलिटोफिला एक लार्वा है जो ग्लोवॉर्म होते हैं उनका। तो ग्लोवॉर्म जो होते हैं वो केव के अंदर लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, और लाइट को जब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो अंदर रोशनी को देख के बाकी इंसेक्ट्स उस केव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही उस केव में ये अंदर जाते हैं ये बोलिटोफिला को खा जाता है। तो ये प्रिडेशन हो गया। ऐसे ही यहां पे एक और ग्लोवॉर्म होता है जो अपने अंदर से म्यूकस थ्रेड निकालता है, यानी थ्रेड जो होते हैं म्यूकस निकालता है यूरिन से, और वो यूरिन थ्रेड की फॉर्म में उसके चारों तरफ लपेट जाती है, और वो थ्रेड्स ग्लो कर रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर वो ग्लो फॉर्म लार्वा पड़ा हुआ है। जैसे ही कोई दूसरा इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आता है वो ग्लो फॉर्म उसको खा जाता है, और ये आपको न्यूजीलैंड में एक केव में मिलेगा। इसके बाद आती है बात डिफेंस की। रेन रोड फॉर्म जो होते हैं वो डिफेंस के लिए लाइट का प्रोडक्शन करते हैं, और किस तरीके से वो डिफेंस कर रहे होते हैं पहले तो ये बता दें, रेन रोड फॉर्म दिखते कैसे हैं। अगर आप रात में ट्रेन को देखे हो तो ट्रेन को बाहर से देखेंगे तो सिर्फ ट्रेन की विंडोज ही दिखेंगी उसमें लाइट चमकती हुई, बाकी पूरी ट्रेन ब्लैक ही दिखेगी अंधेरे में अगर ट्रेन खड़ी। तो बिल्कुल वैसे ही ये रेन रोड फॉर्म लार्वा होते हैं जो जब चल रहे होते हैं तो डर की वजह से, अगर इन्हें किसी से डर लगा अचानक से, तो ये अपने अंदर से इसी तरीके से लाइट अचानक से प्रोड्यूस करते हैं, और सारे इंसेक्ट्स जितने भी रेन रोड फॉर्म हैं वो सभी एक साथ ये लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखने लगता है अंधेरे में, और जब कोई प्रे इसकी तरफ बढ़ता है अचानक से लाइट आती है तो वो डर के भाग जाता है। इस तरीके से ये रेन रोड फॉर्म के डिफेंस में बायोलुमिनेसेंस का सिग्निफिकेंस है। तो अब हम लोग ये सिग्निफिकेंस जान चुके हैं कि बायोलुमिनेसेंस की क्या सिग्निफिकेंस है, यानी क्या फायदे हैं। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या एप्लीकेशन है बायोलुमिनेसेंस के, कि हम बायोलुमिनेसेंस इतना जब पढ़ चुके हैं कि हमने बायोलुमिनेसेंस के बारे में पढ़ा कि किन किन इंसेक्ट्स में होता है, फिर हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा किस तरीके से बायोलुमिनेसेंस प्रोड्यूस होता है, और फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि क्या सिग्निफिकेंस है। तो अब भाई इसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगले पार्ट में, यानी अभी थोड़ी देर बाद, हम लोग इसको ये भी देखेंगे कि किस तरीके से लाइट अप्लाई हो रही है किसी दूसरी चीज में।
चलिए देख लेते हैं कि बायोल्यूमिनेसेंस का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो अपने पास तीन चीजें हैं जिसमें हम मेनली एप्लीकेशन बायोल्यूमिनेसेंस का लेते हैं, स्पेस रिसर्च में, मेडिकल रिसर्च में और पेस्ट मैनेजमेंट में। तो अगर स्पेस रिसर्च की बात करी जाए तो स्पेस रिसर्च में बायोल्यूमिनेसेंस का क्या महत्व है, आइए देखते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस के लिए बेसिकली आपको ये बात फिर से हम याद दिलाते हैं कि बायोल्यूमिनेसेंस के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होना चाहिए। हमारे पास एक चीज होना चाहिए जिसे कहते हैं ल्यूसिफरेज, दूसरी चीज है ल्यूसिफरीन, तीसरी चीज है एटीपी और चौथी चीज है ऑक्सीजन। साथ ही साथ ये सारे रिएक्शंस किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, किसी एक सेल में हो रही है, यानी एक मीडियम। तो एक मीडियम भी चाहिए, पांचवी चीज। लेकिन इसे अगर सेल की बात करी जाए, किसी स्पेसिफिक सेल की ही बात करी जाए कि सेल के अंदर जब हो रही होगी तो हमें ल्यूसिफरेज, ल्यूसिफेरिन, ल्यूसिफेरिन और ऑक्सीजन की मेन की जरूरत पड़ती है। सेल तो एटीपी अपने आप ही बना रही थी, माइटोकांड्रिया थे तो वहां पे। तो अब जब रिसर्च की बात करती है, स्पेस में गए हैं, मान लीजिए मंगल यान पहुंचा मंगल ग्रह के ऊपर, और मंगल ग्रह के ऊपर हमें यह पता करना था कि किस तरीके से क्या वहां जीवन है या नहीं है, तो बायोल्यूमिनेसेंस वहां कैसे फर्क करेगा। तो रोबोट बैक्टीरिया को थोड़ी भूल सकता है, लेकिन बैक्टीरिया एटीपी जरूर प्रोड्यूस कर सकता है, यानी बैक्टीरिया के अंदर एनर्जी तो बनी रही होगी। तो होता क्या है कि वहां की मिट्टी में पाया जाने वाला मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, जिसे हमें पता करना है कि यहां पे बैक्टीरिया है भी या नहीं, तो रोबोट उस मिट्टी को लेता है और उस मिट्टी को पानी में डाल देता है। यानी कि हमारे पास क्या चीजें मौजूद है, पानी मौजूद है, H2O हमारे पास है, हमारे पास ल्यूसिफेरिन है, ल्यूसिफरेज है, ऑक्सीजन है, हमारे पास क्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एटीपी नहीं है। यानी स्पेस रिसर्च जो स्पेसशिप होती है उसमें हम लोग ये चार चीजें तो अपने पास से मिलाते हैं, लेकिन एटीपी को अपने पास से नहीं मिलाते हैं। अगर यहां लाइट प्रोड्यूस हो गई तो इसका सीधा मतलब क्या था कि यहां पे एटीपी था। तो इसका मतलब है एटीपी बन रहा है और कोई भी लिविंग थिंग ही एटीपी को बनाती है। इसका मतलब मंगल ग्रह पे लाइट यानी लाइफ है अगर यहां लाइट प्रोड्यूस हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग लाइट प्रोडक्शन यानी बायोल्यूमिनेसेंस का यूज स्पेस रिसर्च में कर सकते हैं। यूज हो रही है, हमने चार चीजें अपने पास से मिलाई, एक चीज ली एटीपी। अगर एटीपी वहां से मिल रहा है तो इसका मतलब लाइट प्रोड्यूस होगी, अगर एटीपी नहीं मिल रहा है तो लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी, हमें पता लग जाएगा कि वहां लाइफ है या नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल रिसर्च में। मेडिकल रिसर्च में भी हमने ल्यूसिफेरिन और ल्यूसिफरेज को तो बाहर निकाल ही लिया है। अब ल्यूसिफेरिन और ल्यूसिफरेज को जब बाहर निकाल लिया है तो हम किसी सेल के अंदर ल्यूसिफेरिन और ल्यूसिफरेज को डाल देते हैं। अगर लाइट बहुत तेज प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वहां मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होगा, और मेटाबॉलिक रेट अगर बहुत ज्यादा हाई है यानी कि वो सेल कैंसरस सेल है। तो हम कैंसर की सेल का पता लगा सकते हैं बायोल्यूमिनेसेंस का यूज करके। इसके बाद बात करते हैं पेस्ट मैनेजमेंट की। तो बायोल्यूमिनेसेंस है, लाइफ साइंस है, पेस्ट मैनेजमेंट ना आए तो काम ही नहीं चलेगा। तो ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन बनाई और ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन को पिंक वॉल वॉर्म के अंदर इंसर्ट करा। पिंक वॉल वॉर्म एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो रुई यानी कि जो कपास है उसकी बॉल्स को हार्म पहुंचाता है। अब हमें इस पिंक वॉल वॉर्म के अंदर ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन को इंसर्ट कराया। ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन हमारा आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर था जो कि लाइट को प्रोड्यूस कर सकता था। अब पिंक वॉल वॉर्म का हमें दो तरीके से पेस्ट मैनेजमेंट में यूज मिल सकता है। कैसे, हम इस पिंक वॉल वॉर्म की ये देख सकते हैं कि ये कितनी दूरी तक फैला, यानी कि हम इससे डैमेज को पता कर सकते हैं। दूसरी चीज ये किस तरीके से डैमेज कर रहा है, कहां पे घुस रहा है, हम उसको भी
पता कर सकते हैं। तो ये हमारा पेस्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा, कौन, बायोलुमिनेसेंस। तो इस तरीके से हमने बायोलुमिनेसेंस के एप्लीकेशंस को भी समझ लिया। तो अब हमारे पास बायोलुमिनेसेंस का पूरा पार्ट हो चुका है कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि बायोलुमिनेसेंस पूरे एनिमल किंगडम में कहां कहां मिलती है, मोनोग्राफ। उसके बाद हमने ये देखा कि किन किन इंसेक्ट में मिलती है, मेनली हमारा इंसेक्ट टॉपिक है। उसके बाद हमने ये देखा कि इंसेक्ट में कौन सा स्ट्रक्चर है जो ये बना रहा है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से बना रहा है। हमने ये भी देखा कि इसमें क्या यूज है इंसेक्ट्स के लिए और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं बायोलुमिनेसेंस को अदर चीजों में, लाइक स्पेस रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, पेस्ट मैनेजमेंट। एक और चीज भी है, जैसे कि कुछ आपने देखा होगा डिवाइडर्स के ऊपर कुछ डिवाइडर लगे होते हैं जो कि अक्सर लाइट पड़ने में चमकते हैं, तो हम डिवाइडर्स के ऊपर प्लांट्स को लगाते हैं, ऐसे प्लांट को लगाते हैं जो बायोलुमिनेसेंस को क्रिएट कर रहे हो। तो हमारे पास दो फायदे हो जाएंगे, एक तो जो हमने वहां पे डिवाइडर लगाया हुआ है उस डिवाइडर की जो जगह बचेगी उसमें आ जाएगा प्लांट, तो हमारे नेचर को फायदा होगा। और दूसरी चीज, उस नेचर के फायदे के साथ साथ वो ग्लो भी करेंगे, और ग्लो करेंगे तो हमारे यातायात को भी फायदा होगा, यानी ट्रैफिक में भी हमें बड़ा ही हेल्प मिलेगी उस बायोलुमिनेसेंस से। तो अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकस के बारे में बात करेंगे कि लोकस किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से लोकस की दो फेज होती है। तो लोकस की फेज थ्योरी को लेके नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूं, तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, और लाइक कर लें अगर शेयर नहीं किया है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लें।